हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मौज मस्ती ब्लॉगर्स। मैं आशुतोष राज आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आया हूं। तो आज का वीडियो हमारा होने वाला है बिहार में लॉकडाउन का। तो हम इस वीडियो में बहुत सारे लोगों से पूछेंगे कि इस लॉकडाउन से उनके लाइफ पे या फिर उनके बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सबसे मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा, पिछले वीडियो में मैंने ट्रिपल लोडिंग किया था, ड्राइव हम लोगों ने किया था और बहुत सारे ऐसे मिस्टेक थे, तो उनके लिए सबसे पहले सॉरी। और ठीक है, चलते हैं वीडियो में। अभी हमारे बीच में एक फल वाले भैया हैं जो कि अपना ओपिनियन बताएंगे। अच्छा भैया, आप मुझे ये बताइए कि लॉकडाउन लगाना सही है या गलत? अगर सही है तो क्यों और गलत है तो क्यों? देखिए, लॉकडाउन इस हिसाब से सही भी है या गलत भी है। सही चलते हैं, इंसान को बचाव के लिए लॉकडाउन सही है। ऐसे गरीब आदमी के लिए मरण है, 2 घंटा टाइम दे रहा है बेचने के लिए, 2 घंटे में क्या बेचेगा, क्या खरीदेगा भैया, यही बात है भैया। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। ठीक है। अच्छा, तो लॉकडाउन को लेकर के आपका क्या राय है कि लॉकडाउन लगाना सही है या गलत है? हमको तो गलत लग रहा है, इसलिए कि देखिए बीमारी है जो एसी वाला के लिए है, हम सब रौदा वाला रहे पर के कोई बीमारी नहीं है। इतना भीड़ है, दिखाइए पहले, इतना भीड़ है किसी को बीमारी नहीं है। ये देखिए, किसी को बीमारी नहीं है यहाँ पर, बाकी वही सरकार कहता है सब ये भीड़ है, उससे बीमारी कहाँ, इसमें बीमारी कुछ कोई के नहीं है। इतना धुआं में खड़ना का ये बीमारी कहा नहीं हम लोग। तो कहने का मतलब कि लॉकडाउन को हटा देना चाहिए? हटा देना चाहिए, सब्जी वाला भीड़ नहीं देखना चाहिए। शादी भी अब इतना आदमी जाए हो कि चला है, कहा ना कुछ हो गया कोई क्या। ठीक है, झूठ मुड़ के परेशान सरकार कर रहा है, सुन लीजिए। लॉकडाउन के विषय में मतलब कि आपका राय है कि इसको हटा देना चाहिए? हाँ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद अंकल। ठीक है, हम लोग एक रिक्शा वाले अंकल से बात करेंगे। तो अंकल, आप ये बताइए कि लॉकडाउन लगाना सही है या गलत? अगर सही है तो क्यों, गलत है तो क्यों? सही है। सही है। हाँ। तो आपको इससे कोई परेशानी नहीं है लॉकडाउन से? परेशानी तो है सर, कमा खा रहे हैं, दिक्कत बहुत है। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं कि सरकार आपके लिए करे? सुविधा चाहिए गरीब आदमी को। अच्छा, कैसा सुविधा? समय का सुविधा, पैसा का, खाना का, किस चीज़ का सुविधा? समय से लेके पैसा से लेके शरीर तक ले, सब चीज़ में सुविधा। हाँ, सब चीज़ के लिए सुविधा चाहिए, घर द्वार चाहिए। अच्छा, लॉकडाउन में तो बहुत चीज़ के अभी तक टेम्प्रोरी खाना पीना तो आदमी खाइए रहा है, कमा नहीं पा रहा है। रिक्शा चला रहे हैं तो आप सब इसे कमाई नहीं हो रहा क्या? ना, बहुत चीज़ की दिक्कत है, दर दुकान करने में दिक्कत है, कमाई नहीं हो रहा है। कमाई बिल्कुल नहीं कमाई हो रहा है, समय को लेकर के बहुत दिक्कत है। हाँ, समय के लेकर बहुत दिक्कत है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ। धन्यवाद। हमारे बीच एक ऑटो वाले भैया हैं, तो हम इनसे भी पूछेंगे। अच्छा भैया, आप बताइए कि लॉकडाउन लगाना सही है या गलत? अगर सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है? आप अपना हमारे बीच में बात को रख सकते हैं। ये तो देखिए, लॉकडाउन तो पिछले साल भर चल गया, अभी का समय जो है महामारी का है, गरीब आदमी का बहुत दिक्कत हो रहा है। सबसे पहली बात है कि जो है ऑटो रिक्शा चलाता है उसके लिए बहुत बड़ा समस्या खड़ा हो गया है, गरीब आदमी बाल बच्चा को कैसे पोषण पालन करेगा। और सरकार जो है बाल बच्चा छोटा छोटा जो अभी पढ़ लिख रहा है उसके लिए भविष्य खराब हो रहा है, बहुत पीछे हो गया, धियापुता को पढ़ाई लिखाई जो है चौपट हो गया। इसीलिए जो है सरकार को जो है सो कुछ फैसला इस पर लिया जाए कि जो है गरीब आदमी किसी तरह अपना कमाए खाएगा और बाल बच्चा को पोसे पालेगा। लॉकडाउन लगाना सही है या गलत, आप एक शब्द में बताइए। देखिए, लॉकडाउन लगाना जो है इस तरह से लॉकडाउन लगेगा तो गलत है, क्योंकि गरीब आदमी को जो है सो कुछ राहत दिया जाए। इस तरह से कानून 10 बजे तो गाड़ी चलाते हैं, 10 बजे के बाद भीड़ बंद कर देते हैं, पुलिस वाला आकर डंडा चार्ज करते हैं, मारते हैं, पैसा जो है 2 पैसा कमाते हैं वो भी ले लेता है। जो है इस तरह से रहेगा तो गलत है जी। और इस तरह तो से आपको क्या लगता है कि सरकार को इसके लिए क्या करना चाहिए? सरकार को इसके लिए गरीब आदमी को कुछ ना कुछ जो है सुराह देना चाहिए, किस तरह कमाएगा खाएगा गरीब आदमी, बाल बच्चा का पोषण पालन करेगा। तो गरीब आदमी है तो मान लीजिए कि इस तरह समय हम लोग का दिया जाए कि जो है कुछ कमा कर अपना जो है बाल बच्चा को पोषण पालन करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अच्छा, कि लॉकडाउन लगाना सही है या गलत? अगर सही है तो क्यों है, गलत है तो क्यों है? देखिए, लॉकडाउन लगाने से केस कमा है और बहुत लोग होम आइसोलेशन अपना करके अपना सारा इलाज करा रहे हैं। सरकार इसमें एकदम फेल्योर है। नीतीश कुमार जी को नैतिकता के आधार पर अभी तक इस्तीफा दे देना चाहिए था। जितने लोग मरे हैं, लाश गंगा में मिल रहा है, इस सब को देखते हुए नीतीश कुमार जी को इस राज्य में सत्ता पर रहने के कोई जरूरत की नहीं है। तो आपके हिसाब से लॉकडाउन लगना सही है या गलत? एकदम लॉकडाउन लगना एकदम सही है, जब तक जीरो नहीं हो जाए
तब तक सरकार को लॉकडाउन, और उसमें भी देख रहे हैं रोडों पर कि अब गाड़ी उड़ी चल रही है, गाड़ी उड़ी का इस सबको बंद करना चाहिए इससे, और संपूर्ण लॉकडाउन वो भी नहीं चले। चलिए, बहुत बहुत थैंक यू अंकल। ठीक है, तो अभी ये देखिए, ये है जेसी फील्ड का हाल। सुबह सुबह के समय में इतना ज़्यादा मंडी में भीड़ है। बीच में एक और अंकल है जो कि कुछ कहना चाह रहे थे इस मार्केट के बारे में। हाँ, यहाँ धूप में बहुत धूप है, कोई लाइटिंग नहीं है, ना पानी है, कोई व्यवस्था नहीं है, और धूप में मर जा रहा है आदमी। जहाँ थे हुए हैं बढ़िया, हम लोग के यहाँ रूम लेवल है, वहाँ रूम में आराम से बेच बाच के घुस जाता है, घुस के ठंडा में तो 3 घंटा आराम कर लेता है। तो मतलब ये जो मीठापुर का मार्केट जी एसी फील्ड में है, उसके कारण बहुत सारी दिक्कत हो रही है आपको, है ना? कोई लाइटिंग नहीं है, 3 बजे भोर में उठ के आते हैं, कोई लाइटिंग नहीं है। तो आप चाहते हैं कि मार्केट वापस जहाँ पे था वहाँ पे चला था, वहाँ जाना चाहिए। 1 तारीख तक हम लोग के बैठना चाहिए, 3 बजे भोर में आए, पड़ता ना लाइटिंग है, ना कोई सुविधा है, कोई पानी पीना है, वो गंदा पानी को पिएगा। तो अभी आपको आपका सरकार से आपका क्या मांग है? क्या मांग है? जहाँ थे वहाँ रह दीजिए, हम लोग किराया लग रहा है, जुट रहा है डेली। और ये क्या कहते हैं, अच्छा यहाँ पे किराया भी लगता है? यहाँ किराया नहीं लग रहा है, बाकी वहाँ क्या किराया जुट रहा है, वहाँ छोड़ेगा नहीं इंसान कोई नहीं। अब वहाँ किराया जुट रहा है हम लोग का, नहीं माफ करेगा, नहीं माफ कर देगा, तो वो दीजिए माफ करने के लिए किराया। और यहाँ से बेच के हम लोग 10 बजे निकलते हैं, 10:30 बजे वहाँ पहुँचते हैं कांटा रखने के लिए ताजुल, वहाँ पुलिस मारने लगता है। अच्छा, तो प्रशासन के बारे में आपका क्या कहना, आप खुल के बताइए। खुल की तो बता रहा है कि यहाँ से तराजू लेके जाते हैं रखने के लिए गोदाम में, तो वहाँ प्रशासन को आने लगता है कितना लेट का है घूम रहा है। अरे यहाँ से बेच के जाएंगे तो वहाँ बंद करके रखेंगे नहीं सामान, यहाँ गायब हो जाता है सामान, तो रखने जाते तो प्रशासन मारने लगता है। हाँ, खदर खदर के मारता हूँ, कहा है तो लेट घूम रहे हो, तो दुकान बंद करके आधा घंटा लेट हो जाएगा, घर में जाओ तो घर में तराजू बढ़ के रख के नहीं आएंगे। आखिर मीठापुर के बाद यहाँ पे जीएससी में जब ये पूरा मार्केट ट्रांसफर हुआ है, तो उस टाइम से इस मार्केट में क्या क्या प्रभाव पड़ा है भैया, और लॉकडाउन को लेकर के क्या प्रभाव पड़ा है, आप मुझे इसके बारे में बताइए। लॉकडाउन के लेकर तो पहले से प्रभाव है, यहाँ आने के बाद बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है कि व्यापारी लोग को आने में दिक्कत हो रहा है, लोकल ग्राहक भी आने में कतराते हैं, बहुत साइड एरिया पड़ जाता है, और वहाँ था कि ऑफिशियल वगैरह सब आते जाते थे तो हम लोग को दिक्कत नहीं होता था। हम लोग का काफ़ी सबको दिक्कत है, हम लोग का भी इतना दिक्कत है कि जो रेट में ला रहे हैं उससे कम रेट में बेचना पड़ता, आदमी आता ही नहीं है, उम्मीद करते उम्मीद। एक और सवाल है मेरा कि लॉकडाउन लगाना सही है या गलत, अगर सही है तो क्यों और गलत है तो क्यों? देखिए, सरकार की ओर से लॉकडाउन जो लगा है बिल्कुल सही है, लेकिन टाइम शेड्यूल सही नहीं है जी। हमारे कहने का मतलब है, क्या यहाँ देख लीजिए चारों तरफ हजारों के भीड़ की संख्या, इसमें कोरोना नहीं हो सकता है जी, जी, ये, ये। बिल्कुल हो सकता सही, है सही बात है, सही बात। तो हमारे कहने का मतलब, आप टाइम शेड्यूल दीजिए, और ऐसा टाइम शेड्यूल दीजिए जिसमें हम लोग भी कमा सकें, आप लोग भी खा सकें, और कहने का बीमारी से आदमी कम मरेगा, भुखमरी से ज़्यादा मर जाएगा लोग, जो स्थिति है भूखमरी से बहुत। तो आपके हिसाब से एक शब्दों में लॉकडाउन लगाना सही है या गलत? लॉकडाउन लगाना बिल्कुल सही है, लेकिन टाइम शेड्यूल सही नहीं है, सही टाइम शेड्यूल देना चाहिए। आपको सरकार से क्या मांग है इस वक्त? हम लोग को मांग क्या भैया, वापिस जहाँ पे हम लोग को जो जगह था वहाँ मिल रहा है, और बाकी टाइम थोड़ा सा बढ़ा दे। ठीक है, थैंक यू भैया। कोई वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।